हेलो फ्रेंड्स, आज हम जरंडी आए हैं जहाँ की ढोरी माता एक जगह है जहाँ माता मरियम का मूर्ति पहले के खदान में मिला था। तो वहीं हम दर्शन के लिए आए हैं पूरे परिवार के साथ। तो यही वो मंदिर भी बोलते हैं लोग, यही वो चर्च और मंदिर है जिसको ढोरी माता बोलते हैं। पर पहले के टाइम में इसको धूरी माता बोलते थे क्योंकि धूल से मिली थी कोयला के खदान में ना माता मरियम, इसलिए। तो चर्च के अंदर में ऐसा है, मतलब चर्च अच्छा है, छोटा सा है बट अच्छा लगा हमको देखने के लिए। और वो ऊपर में जो है ये वेदी है और ऊपर में है वहाँ पे माता मरियम रखी हुई है जो कोयला खदान में मिली थी, और नीचे में लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो माता मरियम को हमेशा ऊपर में ही रखा जाता है वहाँ पे, बट बस अक्टूबर के लास्ट वीक में उनको बाहर निकाला जाता है और बाहर चर्च होता है 3 दिन के लिए लगातार। तो ये सबसे बड़ा मतलब रहता है अक्टूबर के मंथ के लिए स्पेशल, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे चर्च अटेंड करने के लिए। और संडे मतलब लास्ट रहता है अक्टूबर का, लास्ट संडे मतलब लास्ट सप्ताह में। और हर धर्म के लोग जाते हैं वहाँ पे, हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग भी जाते हैं। तो बहुत मान्यता है उनका। तो यहाँ पे फादर माता मरियम को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब बाहर निकालते हैं माता मरियम को तो दर्शन के लिए लोग बहुत सारे आते हैं, इसलिए ऐसे लाइन लगा करके दर्शन के लिए जाना पड़ता है। और माता मरियम को छू करके लोग प्रेयर करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और कैंडल्स वगैरह ले जाते हैं, तेल वगैरह, पानी वगैरह आशीष के लिए ले जाते हैं। तो सबका अपना अपना मान्यता है, जिसको जैसा वो वैसे लेके जाते हैं।
तो यहाँ पे माता मरियम कोयला की खदान से निकली थी बोल के कोयला कुदाल फावड़ा या वगैरह दिखाया गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। वॉलंटियर के लिए स्कूल से स्काउट गाइड वाला और बच्चों को लाया जाता है। चर्च के पीछे के साइड में ऐसा थोड़ा सा है जगह, वहाँ पे एक जीसस का मूर्ति डाला गया था। पहले तो अच्छा था, फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़ा पानी आके थोड़ा सा ये हो गया है, फिर पौधा वगैरह रोपा रहता है। फिर इधर में बाहर तरफ बाजार लगता है। अरे वो मन छोड़ के जाते ना जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू धर्म और भी दूसरे दूसरे धर्म के लोग आते हैं। तो हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं तो नारियल फोड़ के पूजा करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे नारियल वगैरह फोड़ने का भी व्यवस्था है। और फिर क्रिश्चियन धर्म या फिर दूसरे और धर्म के लोग आते हैं तो वो लोग कैंडल जला के मतलब प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे है। तो जैसा जिसको जैसा है वैसे वो लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा से व्यवस्था किया गया है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। डोरी माता बहुत ही क्रिश्चियन धर्म के लिए मान्यता वाला जगह है, जहाँ पे अपना मन्नत और मुराद लेके आते हैं बीमारी से ठीक होने के लिए। जहाँ पे भी ठीक हो वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। फिर हम लोग प्रार्थना वार्थना किए, उसके बाद कुछ बाजार से खरीदे मूर्ति वगैरह रोजरी वगैरह, और फिर हम लोग वापस आने लगे घर और इंजॉय किए रास्ता, ग्रीनिश, ये सब पहाड़ वहाड़। तो ये गीतासो डैम की तरफ एक पॉपुलर जगह है, जहाँ व्यू बहुत अच्छा है, देख सकते हैं रास्ता का।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोज और फोटोज किए जाते हैं, तो फिर हम कार के अंदर से ही थोड़ा वीडियो बना लिया क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। साइड साइड पेड़ वगैरह है, जंगल और बीच में रास्ता, तो अच्छा लगता है। फिर रिटर्निंग के टाइम हम लोग कितलसूद का नहर देखे, जहाँ की पानी इतना ज़्यादा छूट रहा था कि मतलब देखने में ही डर लग रहा था पूरा। देख सकते हैं कैसा दिख रहा है पानी, डरावना। फिर यहाँ पे का खेत वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा था उसका व्यू, तो फिर वही थोड़ा सा कर लिया वीडियो। सो कैसा लगा मेरा ये वीडियो चरंडी का, आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।